Good afternoon, dear students. Today we are starting a chemistry chapter for class 10th named Chemical Reaction and Equations. देखो बेटा, हमारा जो chapter है ये Chemical Reaction and Equation बड़ा interesting है. आप जैसे free हो आप लोग घर, इससे कुछ experiment भी आपको perform करवाएंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी theory हो जाए. जैसे chemical reaction है, first of all a term is chemical reaction. Chemical reactions क्या होती है? ए रिएक्शन इन विच ए केमिकल चेंज टेक प्लेस. कहता है एक रिएक्शन है जिसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. फॉर इंस्टेंस बर्निंग ऑफ पेपर, लाइक आपने पेपर लिया उसको जला दिया, उसके अंदर क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है? केमिकल चेंज. सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो उसके अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन को आप देखते हो, जैसे आजकल आपके जो कुछ एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बाहर रखे रहते हैं और कुछ दिनों बाद देखते हो आप उनका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है. तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन. अब आपको ये केमिकल रिएक्शन करने के लिए आपको दो चीज़ों को बताना चाहिए. पहले तो केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होता है? चेंज इन विच आइडेंटिटी ऑफ रिएक्टेंट आर चेंज्ड. कहता है जिसके अंदर आइडेंटिटी चेंज होती है, उसकी पहचान चेंज हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है एक किससे? केमिकल चेंज से. उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. फॉर एग्जांपल आपने एक लकड़ी ली और लकड़ी को जलाना स्टार्ट कर दिया, कुछ देर बाद देखते हो आप लकड़ी की क्या हो गया? वो कोल में चेंज हो जाती है, ठीक है, या उसकी कुछ ऐश बन जाती है. इस टाइप से इसके अंदर ही आपने एक पेपर लिया, पेपर को जलाया और किस में चेंज हो गया? ऐश में चेंज हो गया. तो ये यहाँ पे जो रिएक्टेंट है जो वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ, तो उसकी आइडेंटिटी है जो वो क्या हो गई? चेंज. तो उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज. नेक्स्ट है फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या है बेटा? जिसके अंदर आइडेंटिटी चेंज ना हो, पहचान चेंज नहीं होती. लाइक आपने वाटर देखा होगा, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं, या आपने एक ग्लास लो अपने घर और उसको बाहर रख दो धूप में, आप क्या देखते हो? थोड़े दिन थोड़े घंटों में उसका जो लेवल है पानी का वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. आपने सोचा कभी वो पानी कहाँ गया? वो पानी किस में चेंज हो गया बेटा? वेपर्स में. तो इसके अंदर हम पहले भी वाटर ले रहे हैं और जब वेपर्स है, वेपर्स भी क्या हैं? वाटर. तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तो हम इसको बोल सकते हैं फिजिकल चेंज. नेक्स्ट आता है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. अब जिसके अंदर फिजिकल चेंज होता है वो फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, एंड द केमिकल चेंज टेक प्लेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. अब नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, कि क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, हमें कैसे पता लगेगा? अब आपको मैंने बोल दिया केमिकल चेंज, आपको कैसा पता लगेगा? अब उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व करनी है. आपने देखना है कि आपने जो रिएक्शन देख रही हो उसके अंदर कहीं टेम्परेचर तो नहीं चेंज हो रहा है. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आप बता सकते हो कि, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो ठीक है आप बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन, अगर नहीं हो रहा तो. लेकिन इसमें से कुछ दो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए. जैसे आप टेम्परेचर तो इस केस में भी बोल सकते हो कि वाटर है यहाँ पे, यहाँ भी सर वेपर्स हैं, यहाँ भी तो टेम्परेचर चेंज है, बट वी कॉल इट. लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जो आइडेंटिटी. आपने सबसे पहले आइडेंटिटी देखनी है कहीं भी किसी भी चीज़ में, अगर रिएक्शन में देखते हो, अगर टेम्परेचर चेंज होता है या उसकी स्टेट चेंज होती है. स्टेट लाइक आपने मैग्नीशियम, या आपने पेपर को जलाना स्टार्ट किया, पहले पेपर था फिर वो क्या हो जाता है? ऐश हो जाता है. ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, मैंने आपको क्लास में भी काफ़ी बच्चों को दिखाया है कि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. या उसका कलर, जैसे आपको मैंने एक जनरली एग्जांपल बताया रस्टिंग ऑफ आयरन. अब आयरन का तो आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो, घर पे ही देख सकते हो आपने, कि आपने आयरन रखा था बाहर और वो लाल होना, रेड होना स्टार्ट हो जाता है, ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है. इट मीन्स उसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है? केमिकल रिएक्शन. या आप इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, या उसके अंदर से कोई गैसेस प्रोड्यूस हो रही है. लाइक आपको एक लाइव आज एक्सपेरिमेंट करवाएंगे हम, जैसे बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा सबके घर होगा आपके, और उसमें हमने थोड़ा सा सिरका डाल दिया, तो आप देखना उसमें से गैस इवॉल्व होती है. वो कौन सी गैस है? विनेगर, वो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कौन सी गैस है वहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड. पूछिए